पवन अरोड़ा के साउथ अफ्रीका से बहुत ही खूबसूरत फोटो सामने आ गई और आज से ये बहुत बिजी होने वाले हैं। लगातार इनके शो होने वाले हैं। शो यानी हर रोज पवनदीप अरुणिता की कोई ना कोई लविंग वीडियो और कोई ना कोई दिलचस्प कहानी भी आपको पता चलने वाली है और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो स्टार्टिंग इनकी फ्लाइट में रोमांस करते वक्त हो गई है। जी हाँ, फ्लाइट की फोटो सामने आ चुकी है जिसने सुबह सुबह फैंस का दिन बना दिया। फोटो दिखाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप पवनदीप अरोड़ा के फैन हैं और आगे भी इनकी ऐसी दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं, एक्साइटेड हैं, तो मिलम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पवन अरोड़ा की हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो फैंस, हमारे पवन अरोड़ा साउथ अफ्रीका अब तक पहुंच चुके होंगे और कुछ ही दिन में ये साउथ अफ्रीका में बिजलियां गिराने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, इससे पहले अरुणिता विदेश टूर पर जाने से रुक गई थी क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से अरुणिता पवन के संग विदेश टूर पर नहीं जा पाई। लेकिन इस बार अरुणिता न केवल जा रही है बल्कि वो पहुंच भी चुकी है और उन्होंने जो फोटो शेयर किया उसमें वो फ्लाइट में बैठी नजर आ रही है। इसका मतलब है अरुणिता पहुंच चुकी है, वो भी पवनदीप के बिल्कुल करीब होकर बैठी नजर आ रही है। बहुत खुश दिख रही है। खुश तो होंगी क्योंकि बहुत टाइम बाद अरुणिता पवनदीप के संग विदेश टूर पर जा रही है और यहाँ धमाल मचाने वाली है, बहुत मस्ती करने वाली है। अरुणिता ने स्टार्टिंग भी कर दी है। फ्लाइट में वो पवनदीप को छेड़ती नहीं, पवनदीप को तंग करती नजर आई और हमेशा की तरह पवनदीप अरुणिता की इन बचकानी हरकतों पर मुस्कुराते नजर आए। तो आप पवनदीप अरुणिता के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो पवनदीप अरुणिता के फैन क्लब की तरफ से एक फोटो शेयर किया गया था जिसमें पवनदीप दुल्हा और अरुणिता दुल्हन के रूप में दिखाई दी थी। इसे देखकर सभी खुशी के मारे चौंक गए थे। इस फोटो को देखकर आप एक पल के लिए यकीन भी कर लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये फोटो एडिट की गई हुई है, ये फोटोशॉप फोटो है। दोनों सिंगर की शादी नहीं हुई है बल्कि ये फेक फोटो है। भले ही ये फोटो फेक हो लेकिन फैंस का दिल खुश हो गया। भले ही इन्हें एक पल के लिए लोगों ने झूठ ही देखा, लेकिन जिस तरह से दोनों एक साथ में शादी के जोड़े में दिखाई दिए वो देखकर फैंस खुशी से उछल रहे हैं। आपको बता दें, ये फोटो किसी म्यूजिक वीडियो की भी नहीं है, ये पूरी तरह से फेक है। किसी ओरिजिनल फोटो पर इनके चेहरे को एडिट किया गया है। हालांकि पवनदीप अरोड़ा की तरफ से अभी तक इस फोटो के लिए कोई बयान नहीं आया और अक्सर पवनदीप अरोड़ा की ऐसी क्लोजअप फोटो शेयर की जाती है जैसे कि ये दोनों कपल है, रिलेशनशिप में है। लेकिन पवनदीप अरोड़ा पहले ही बोल चुके हैं कि ये सिर्फ दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। पवनदीप अरोड़ा की फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। यही वजह है कि दोनों इंडियन आइडल शो खत्म होने के बाद भी कई वीडियोस में एक साथ नजर आ चुके हैं और फैंस आज भी इन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। तो आप इस जोड़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अरुणिता के थप्पड़ वाला वीडियो जो वायरल हो रहा है, वो वीडियो इंडियन आइडल 12 के सेट का बताया जा रहा है और इसी सेट से अरुणिता को काफी कुछ मिला, काफी पहचान मिली और इसी सेट पर अरुणिता के थप्पड़ भी पड़ा। हालांकि वीडियो पुराना है लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो लोग हजारों सवाल पूछ रहे हैं, तमाम कमेंट्स कर रहे हैं। शायद आपको भी सुनकर झटका लगा होगा कि इतने बड़े मंच पर अरुणिता के कोई कैसे थप्पड़ मार सकता है और वो है कौन जिसने अरुणिता के थप्पड़ मार दिया। अरुणिता तो फिर सबकी लाडली भी है और अब तो उनका नाम बड़े सिंगर्स में लिया जाता है, फिर उन्हें कौन थप्पड़ मार सकता है। तो आपको बता दें कि अरुणिता को थप्पड़ मारने वाली उनकी दोस्त हैं जो कि उनके साथ इंडियन आइडल 12 में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और ये सब सेट पर फनी वीडियो बनाने के चक्कर में एक दूसरे को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एक दूसरे को थप्पड़ मारने वाला इंस्टाग्राम रील बनाते हैं, वीडियो में गाना प्ले हो रहा है और फिर अरुणिता की दोस्त अरुणिता के थप्पड़ मारती है, अरुणिता दानिश के थप्पड़ मारती है और दानिश शनमुख प्रिया के थप्पड़ मारती है। एक के बाद एक सबको एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं, उसके बाद वापस शनमुख प्रिया दानिश के थप्पड़ मारती हैं और दानिश फिर से अरुणिता के थप्पड़ मारते हैं और अरुणिता अपनी दोस्त के थप्पड़ मारते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि घंटों शूट करने के बाद ये बोर हो जाते हैं तो कुछ इस तरह से ही मौज मस्ती करते हैं और अपना दिन निकालते हैं, एक दूसरे के साथ एंटरटेनमेंट करते हैं। हालांकि इनके इस फनी वीडियो में पवनदीप नहीं दिखाई दिए, अगर होते भी तो शायद पवन का हाथ अरुणिता पर नहीं उठता। वैसे आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप पवन यहां जानबूझकर हटते नजर आए। दरअसल तंजानिया के मंच से पवन अरुणिता के जो रोमांटिक वीडियो सामने आई हैं उसमें देख सकते हैं पवन अरुणिता दोनों ड्यूट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तभी पवन वाला माइक कुछ अटक जाता है और उस वक्त पवन गाना गा रहे होते हैं। ऐसे में पवन ने अरुणिता से बिना कुछ पूछे उनके हाथ का माइक पकड़ लिया और गाना शुरू कर दिया, अपना माइक अरुणिता को दे दिया।
पवन अचानक से क्या करने लगे वो देखकर अरुणिता भी सोच में पड़ गई। लेकिन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग भी कमाल की है। अरुणिता ने भी पवन से ना कुछ पूछा और ना ही कुछ कहा, अपना माइक एक झटके में दे दिया। ये 2 मिनट का खूबसूरत पल लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और बार बार इनकी ये वीडियो देखी जा रही है, खूब पसंद की जा रही है। और खास बात ये भी है कि दोनों अक्सर मैचिंग कपड़े भी पहनते हैं। यहाँ भी दोनों ब्लैक कॉस्ट्यूम में पहुंचे जो कि इन पर खूब जच रहे हैं। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो तंजानिया से जो पिक्चर सामने आई है उसमें पवन और उनकी पूरी टीम फ्लाइट में मस्ती करती दिखाई दे रही है। पवन ने खुद फ्लाइट की बहुत ही खूबसूरत फोटो शेयर की है। 1 मिनट के लिए ऐसा लग रहा है कि पवन के साथ अरुणिता भी सीट पर बिल्कुल उन्हें चिपक कर बैठी हैं, रोमांस कर रही हैं। लेकिन जैसे ही पवनदीप ने सबके चेहरे दिखाए उनमें से कहीं भी अरुणिता नजर नहीं आई। फोटो देखकर लोग उदास हो गए। लेकिन जब लोगों ने दर्शनी को देखा तो लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि अब तो अरुणिता पक्का गई हुई है, क्योंकि दर्शनी बिना अरुणिता के जा ही नहीं सकती। दर्शनी अरुणिता को छोड़कर अकेले फ्लाइट में जा ही नहीं सकती। फिर ये प्राइवेट इवेंट था तो यहाँ पर अरुणिता के साथ दर्शनी तो होंगी। इस शो में ज्यादा लोग अलाउड नहीं है, ऐसे में दर्शनी के साथ अरुणिता भी है। तो इस इवेंट से जुड़ी और भी पिक्चर सामने आने वाली है जो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। पवन अरुणिता को स्पेशली इस इवेंट में इन्वाइट किया गया है, देखना होगा अब पवन अरुणिता यहाँ क्या धमाल मचाने वाले हैं। तो फैंस पवनदीप अरुणिता की जिस करवा चौथ वाली फोटो की जोरों शोरों से बातें हो रही हैं उसमें अरुणिता की मांग में सिंदूर दिखाई दे रहा है और वो भी पवनदीप के बिल्कुल चिपक कर खड़ी हुई हैं। 1 मिनट के लिए इस फोटो ने सबकी हवाइयां उड़ा दी कि क्या सच में अरुणिता ने करवा चौथ का व्रत रखा वो भी पवनदीप के लिए, और क्या इसलिए मुंबई से दूर जाकर दूसरे शहर में गए। जी हां, इस वक्त पवनदीप अरुणिता अपने नए इवेंट की वजह से दूसरे शहर में जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्पेशली करवा चौथ के त्योहार के लिए गए हुए हैं। बल्कि पवनदीप अरुणिता की इस फोटो को बहुत ही गंदी तरह से एडिट किया गया है। इस फोटो में अरुणिता की मांग में सिंदूर ऐड किया गया है। बेशक दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इस तरह से किसी भी त्योहार का मजाक बनाना और पवनदीप अरुणिता के रिश्ते की धज्जियां उड़ाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आगे पवनदीप अरुणिता शादी करते हैं कि नहीं करते हैं इस बारे में तो आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी ये कोई शादी नहीं कर रहे हैं और ना ही ये रिलेशनशिप में। तो ये फोटो पूरी तरह से फेक बताई जा रही है। आप इस फोटो के लिए क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दरअसल पवनदीप राजन का रिश्ता रितु रिवा से है, ऐसा हम नहीं बल्कि उनकी पर्सनल चैट वायरल हो रही है। ये वही रितु रिवा है जिन्होंने इस वक्त इंडियन आइडल 13 की वजह से सबकी नींदें उड़ा दी है। रितु रिवा में कमाल का टैलेंट है और ये बात अब पवनदीप ने भी स्वीकार कर ली है, इसीलिए पवनदीप भी अब रितु रिवा के सपोर्ट में आ गए हैं। हालांकि पवनदीप ने रितु रिवा के सपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं किया जिससे शो या किसी को परेशानी हो, ना ही इन्होंने रितु रिवा के सपोर्ट के लिए कोई स्टोरी लगाई और ना ही शो के मेकर से किसी तरह की सिफारिश की। वो चाहते तो कर सकते थे क्योंकि पवनदीप इंडियन आइडल शो के विनर रह चुके हैं, ऐसे में पवनदीप और शो के मेकर्स के भी अच्छे रिश्ते हैं।